अरब सागर से उठे तूफान बिपरजॉय का असर अब मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। प्रदेश के श्योपुर जिले में बीती रात से तेज हवाएं चल रही हैं। आंधी की वजह से घरों के छप्पर उड़ गए हैं। झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो लगातार बारिश से उनकी मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। सड़कें कीचड़ से सन गई हैं, जिससे यातायात में समस्याएं हो रही हैं। तो आंधी की वजह से छप्पर उड़े हैं। श्योपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। झमाझम बारिश हुई है, तूफान आ चुका है और मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। श्योपुर में भी बिपरजॉय का असर देखा गया। देर रात से तेज हवाएं चल रही हैं। बता दें आपको, आंधी की वजह से छप्पर भी उड़े हैं और झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है श्योपुर में। श्योपुर में बिपरजॉय का असर साफ तौर से देखा जा सकता है। देर रात से तेज हवाएं चल रही हैं, तूफान आ चुका है। बिपरजॉय का असर साफ तौर से श्योपुर में देखा जा रहा है। तो आंधी की वजह से छप्पर भी उड़ गए हैं, झमाझम बारिश का दौर भी लगातार जारी है। श्योपुर में बिपरजॉय का असर साफ तौर से देखा जा सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पानी भर चुका है जगह जगह और बारिश का दौर भी जारी है। तेज हवाएं चल रही हैं, लोगों को कई सारी परेशानियां हो रही हैं, कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बाहर लोगों का निकलना दूभर हो चुका है। आंधी की वजह से कई जगह के छप्पर भी उड़ गए हैं। झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। तो बिपरजॉय तूफान का असर कहीं ना कहीं दिखने लगा है और साथ ही साथ आपको बता दें, तेज गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत महसूस अब हो रही है। तापमान में गिरावट आई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बिपरजॉय का असर मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का दौर जारी है। आखिर और कौन कौन से जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है और कैसी स्थिति है? देखिए, बिल्कुल लगभग मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो राजधानी भोपाल और उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग जो प्रमुख तरीके से इससे प्रभावित रहने वाले हैं, क्योंकि बिपरजॉय का अभी जो असर है पूरी तरीके से राजस्थान में देखने को मिल रहा है और राजस्थान से सटे इलाकों में बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। अगर राजधानी भोपाल की भी बात करूं तो अभी मैं बड़े तालाब पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि इस समय लगभग तेज धूप हो जाया करती थी, लगभग 38 डिग्री 40 डिग्री के आसपास तापमान हो जाता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही सर्द हवा, जो ठंडी हवाएं हैं वो चल रही हैं और लहरें जो है वो आपको बता रही हैं किस तरीके से हलचल जो है वो है, क्योंकि मौसम जो है वो बदला सा नजर आ रहा है। इसके पीछे प्रमुख कारण जो है वो पर जो है बताया जा रहा है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ये अनुमान जताया था कि 18 तारीख के आसपास मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बिपरजॉय का असर देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके अब देखिए धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे कल 18 तारीख की बात करूं 19 तारीख को ही असर देखने को मिलने लगा है। ग्वालियर चंबल संभाग के कई इलाकों में जो है वो अभी बारिश की भी सूचना है कि हल्की बारिश वहां हुई है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग, उज्जैन संभाग, चूंकि ये दोनों इलाके जो है वो राजस्थान से सटे हुए हैं, उन इलाकों में तो हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल ही रही है, लेकिन अगर राजधानी भोपाल की भी बात करूं तो वो भी इस मौसम के जो असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिपरजॉय जो अरब की खाड़ी से उठा था वो धीरे धीरे करके अब आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो गुजरात से होते हुए राजस्थान जब पहुंचा है तो राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में उसका असर भी देखने को मिलने लगा है। और कल आज ये शुरुआत है और आने वाले 20 और 21 तारीख को मध्य प्रदेश के 25 ऐसे जिले हैं जिनमें तेज बारिश हवा की जो अनुमान है वो मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है। तो अगर ये कहें कि जो अब बिपरजॉय का असर जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलने लगा है। जी, असर तो देखने को लगा है शैलेंद्र। तस्वीरें जिस तरह से हम देख रहे हैं ये तो तूफान की सिर्फ झलक है, अभी कुछ और तस्वीरें भी देखने को मिलेगी। क्या हम ये माने कि जो छोटे छोटे इलाके हैं, छोटी छोटी बस्तियां हैं, वहां पर ज्यादा परेशानी ना हो, तूफान का असर ना हो, और असर होता है तो लोगों को परेशानी ना हो, तो उसके लिए राहत बचाव कार्य पहले से ही किया गया है?
निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन इलाकों में बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिलेगा, हालांकि भारी तूफान इस मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो बारिश है उसका असर जरूर देखने को मिलेगा और तेज हवाएं जो है वो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में चलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। और वो इलाके सबसे अधिक जो है वो राजस्थान के से सटे हुए इलाके हैं, चाहे वह ग्वालियर चंबल संभाग का भिंड मुरैना दतिया गुना हो या फिर उज्जैन का नीमच मंदसौर इलाका हो। ये इलाके जो हैं जो राजस्थान से सीधे तौर पर टच होते हैं और ऐसे इलाकों में जो है वो बारिश भी ज्यादा होगी और हवाएं भी तेज चलेंगी। हालांकि मध्य प्रदेश का कोई भी शहर इससे अछूता नहीं रहेगा। राजधानी भोपाल की मैं जैसे आपको तस्वीरें दिखा रहा था कि राजधानी भोपाल में भी सामान्य तौर पर 9 बजे के आसपास 38 डिग्री के आसपास तापमान हो जाया करता था और तेज धूप जो है वो लोगों को परेशान करती थी। लेकिन अगर आज की बात करूं तो जिस तरीके से सुबह से बादल छाए हुए, हालांकि सुबह की अगर बात करता हूं तो सुबह हल्की धूप निकली थी, लेकिन उसके बाद जो है वो मौसम ने अब करवट ली है और जो बादल हैं वो अब छा गए। हालांकि अभी राजधानी भोपाल में किसी तरह की बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मौसम बदल गया है तो ये अनुमान पूरी तरीके से है कि राजधानी भोपाल में भी। लौटूंगी आपके पास, सहयोगी सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या माने कि बिपरजॉय का असर ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा है और किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए बिपरजॉय के दस्तक से पहले ही ग्वालियर चंबल अंचल में इस तूफान का असर नजर आने लगा है। अभी सुबह से ही ग्वालियर में आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार बारिश हो रही है और बारिश के साथ ही अब जो हवाएं हैं उनकी गति भी करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई है। तो जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज रात जो ये कम दबाव का क्षेत्र है राजस्थान से बिपरजॉय की रवानगी के बाद आज ग्वालियर चंबल अंचल से गुजरेगा रात में, तो यही वजह है कि तूफान के आने से पहले उसकी दस्तक शुरू हो गई है। ग्वालियर चंबल अंचल के अधिकांश जिलों में सुबह से बारिश हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि आज 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चलेगी। इसके अलावा आज जो बारिश हो रही है इसके साथ ही कल मंगलवार को ग्वालियर चंबल अंचल के ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर जिलों में तेज बारिश होगी। तो मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि लोग बाइकों से इस तूफान के वक्त सफ़र ना करें, सड़कों के किनारे खुली सड़कों पर ना रहें, पेड़ों के किनारे लोग ना रहें। किसानों के लिए भी विशेष अलर्ट जारी है कि खेतों में ना रहें जब तूफान का समय हो, पेड़ों के नीचे ना बैठें, क्योंकि इस दौरान ही सबसे ज़्यादा हादसे होने की आशंका रहेगी। तो एडवाइजरी अपनी जगह जारी कर दी है, लेकिन अब तूफान का जो असर है वो आज रात से शुरू होगा, लेकिन उसकी जो आहट है वो अभी से नज़र आने लगी। ग्वालियर संभल अंचल में करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है और ये जो बारिश का सिलसिला है अब धीरे धीरे और बढ़ेगा, मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान जताया है। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। दीपक भी हमारे साथ श्योपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, आखिर श्योपुर की तस्वीरें कैसे देखने को मिल रही है? क्या वहां पर भी तेज बारिश, आंधी, तूफान के नजरिया जो है देखने को मिल रहा है, नजारा देखने को मिल रहा है? आखिर वहां पर भी अलर्ट किस तरह का जारी किया गया है, राहत किस तरह की दी जा रही है लोगों को? जी बिल्कुल ऋतु, जहां तक आंधी तूफान की बात करें तो बीते रोज से यहां पर तेज आंधी और शाम को बारिश का दौर शुरू हो गया, जो अभी तक बारिश चल रही है, तेज हवा आंधी भी चल रही है। इस वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जो टीन शेड हैं, छप्पर हैं, वो काफी हद तक क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई ग्रामीण इलाकों के टीन शेड तो उड़ भी गए हैं हवा की वजह से। तो लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और बताया यही जा रहा है कि अब जो तूफान है गुजरात में जो आया है उसका असर यहां पर रहेगा, इसके चलते यहां पर इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। और बारिश की बात करें तो बारिश लगातार हो रही है और प्रशासन ने अभी तक अलर्ट की बात करें तो किसी तरह का कोई अलर्ट तो जारी नहीं किया है, लेकिन बाढ़ राहत दल का जो अमला है वो पहले से ही यहाँ तैनात रहता है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर नदी नालों का जलस्तर बढ़ता है या किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो बिल्कुल तैयार है। और बारिश की बात करें तो इस बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और उसकी वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन अब बारिश और आंधी की वजह से दूसरी समस्याएं होने लगी हैं। ऋतु ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। लू के चपेट में छत्तीसगढ़ है, अधिकांश स्थानों पर